हेलो हाय यूरन, स्टॉक टिपर में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं HDFC बैंक के बारे में। यहाँ पे देख सकते हैं शेयर ट्रेड करिए 1604 रुपीज़ पे, और लगातार फ्लो के इस तरीके से 1 ईयर में देखने को मिली। आप लोग देख सकते हैं 20% तक की तेज़ी देखने को मिली है, पर यहाँ पे और भी तेज़ी दिख सकती थी। आपको जैसा पता है कि निफ्टी में बहुत ही अच्छा खासा स्टेक एक जगह FD HDFC होल्ड करती है, तो उस चीज़ को हम लोग थोड़ा और अच्छे से समझते हैं, डीप वे में समझते हैं। यहाँ पे होल्डिंग्स की बात करें तो होल्डिंग्स ठीक ठाक बोलूँगा, क्योंकि इसमें हमेशा एक अच्छी खासी होल्डिंग बनते हुए दिखी है। मतलब ऑलमोस्ट 60 तक में रहते हुए दिखी और 50 प्लस ही रहते हुए दिखी है, तो मैं इस होल्डिंग्स को ठीक ठाक बोलूँगा। ऐसे ये होल्डिंग्स भी अच्छी है, कोई ख़राब होल्डिंग्स नहीं है। यहाँ पे अगर इम्पॉर्टेंट मेजर चीज़ की बात करें तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आ रही है यहाँ पे HDFC बैंक को लेके, जो यहाँ पे सपोर्ट स्ट्रॉन्ग टारगेट सबके बारे में बात करते हैं। पर उससे पहले हम लोग चले जाते हैं यहाँ पे HDFC बैंक का चार्ट पैटर्न ओपन कर लेते हैं कि हम लोग अच्छे तरीके से समझें। तो यहाँ पे HDFC का चार्ट पैटर्न आप लोग देख सकते हैं जस्ट पे, यहाँ पे किस तरीके से फ्लो बनाई हुई है देख सकते हैं। लगातार एक अच्छी खासी तेजी हमें मार्केट में पहले के दिनों में देखने में मिली थी। यहाँ पे बहुत ही अच्छी खासी ऊपर मार्केट थी, फिर उसके बाद एक अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिला, और अभी के टाइम में हम लोग ध्यान दें तो यहाँ पे एक स्ट्रांग सपोर्ट बनाई हुई है। यहाँ पे एक स्ट्रांग सपोर्ट बनाई है, और एंट्री पॉइंट की बात करें तो सब पूछ रहे थे एंट्री पॉइंट कहाँ से रहेगा। ये रहा एक बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है HDFC की तरफ से, मतलब यहाँ पे बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट रह सकती है मार्केट में। यहीं पे अगर हम लोग एक और चीज़ बात करें तो यहाँ पे कुछ ट्रेंड हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा है। ये तो हमारा रेसिस्टेंस बन ही गया है, यहाँ पे तो रेसिस्टेंस है हमारे लिए जस्ट वीक में। यहाँ पे थोड़ा सा और राउंड फिगर में अगर लेके आ जाऊँ तो यहाँ पे हमारा स्ट्रांग रेसिस्टेंस बन रहा है। पर यहाँ पे अगर हम लोग थोड़ा और ध्यान दें तो मार्केट कुछ इस तरीके से हमें मोमेंटम दिखा रही है। यहाँ पे लगातार जो हमारी जो रेसिस्टेंस है यहाँ पे छोटी बनते जा रही है, इनफैक्ट जो टारगेट लगातार नीचे गिरावट बना रही है। अगर हम लोग एक और चीज़ पे ध्यान दें तो यहाँ पे लगातार साइडवेज ट्रेंड तो बनते हुए दिखी ही है। जस्ट मैं यहाँ पे चला जाता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मार्केट हमें लगातार आते हुए दिख रही है, और यहाँ पे एक स्ट्रांग सपोर्ट है। तो यहाँ से अगर चेंजेस की बात करें तो यहाँ पे आप ध्यान दे सकते हैं कि मतलब अभी जिस तरीके से ये डाउनफॉल दिखाई है, लगातार ट्रेंड डाउन के तरीके से मूव किया है, और यहाँ से एक जो सपोर्ट है जो मेजर रोल प्ले करे, यहाँ पे भी देख सकते हैं अगर हम लोग थोड़ा और जूम करके ध्यान दें तो यहाँ पे भी ब्रेक हो, मतलब यहाँ पे भी आई थी पॉइंट जो यहाँ से फिर से ऊपर जाते हुए दिखी, फिर यहाँ पे एकदम सपोर्ट को टच कर दी थी। यहाँ से भी चेंजेस होते हुए दिखी, यहाँ पे भी सपोर्ट को टच कर दी थी, फिर यहाँ से चेंजेस होते हुए दिखी है। तो अभी के टाइम में पूरा चांसेस रह सकते हैं, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है बताने में। यहाँ से चांसेस पूरा का पूरा रह सकता है कि फिर से ट्रेंड लाइन चेंज कर सकती है, और ये सपोर्ट बहुत ही मेजर रोल प्ले कर रही है। तो सपोर्ट क्या है देखिए, राउंड फिगर की टोटली बात करें तो 1600 बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है, पर यहाँ पे थोड़ा सा 20 पॉइंट्स का फ्लक्चुएशन और थोड़ा स्ट्रांग सपोर्ट समझ के रखना है आपको, क्योंकि अगर इस तरीके से नहीं रहा तो फिर दिक्कत आपको है। थोड़ा सा हम लोग 5 डेज पे ध्यान दे सॉरी 1 मंथ पे ध्यान दे देते हैं और अच्छे तरीके से समझ लेते हैं कि हम लोग को नेक्स्ट फ्लो कैसा देखने को मिल सकता है। अब जो शॉर्ट टर्म के ट्रेडर हैं उन लोग के लिए मैं बता देता हूँ, जो ट्रेडर है इन्वेस्टर नहीं जो ट्रेडर है, यहाँ पे अगर आप लोग को CE में बाइंग करने का मन है, मतलब इसमें अच्छा खासा पोजिशन होल्ड करने का मन है, तो अभी वेट कर लीजिए। अगर PE में मूव करना चाहते हैं तो आपके पास इतना ही गैप है। यहाँ से सपोर्ट थोड़ा सा चेंजेस बना सकती है, जिसमें एक अच्छा चेंजेस आपको ऊपर जाते हुए दिख सकती है, तो यहाँ पे आपको वेट करना एक अच्छा ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे अगर आप लोग PE में बाई करते हैं तो PE में डाउन आने का पूरा चांसेस बन रहा है, पर यहाँ से चेंजेस होगी, और पर ये सपोर्ट अपना याद रखिएगा, और जो PE में बाई करे उनका टारगेट ये रहेगा। और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन माय बेल आइकन, क्योंकि मेरी सबसे पहली अपडेट आपके पास आनी चाहिए। और कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। टारगेट अब लॉन्ग टर्म के लिए टारगेट की बात कर लेते हैं, तो टारगेट आप लोग की जो सर जा सकती है वो 1700 प्लस टारगेट है। यहाँ पे 1700 प्लस की टारगेट है, पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि उससे पहले उसको ये ब्रेक करना है। ये ब्रेक करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इस पॉइंट को ब्रेक कर दी तो ऑलमोस्ट मैं आप बताऊँ तो 1650 ब्रेक करते हुए दिखी, तो उसके बाद 1700 आराम से टच करते हुए आपको दिख सकती है मार्केट में। और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल।